नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। देश में कोरोना महामारी का कहर अभी थमा नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बाद सितंबर में कोरोना की थर्ड वेव आने की आशंका है। ऐसे में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीनेशन यानी टीका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन शर्त ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टीकाकरण कराएं, यानी कि दोनों डोज लगवाएं। लेकिन सूरत से जो खबर सामने आई है वो परेशान करने वाली है। सूरत के डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर का कहना है कि सेकेंड डोज के लिए लोगों की दस्तक वैक्सीनेशन सेंटर पर कम है, जिसको लेकर सूरत नगर निगम ने कोरोना टीकाकरण को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए नॉक द डोर अभियान शुरू किया है। पिछले दो वीक से हमने ये पाया है कि जो ओवरऑल सेकंड डोज के जो बेनिफिशियरीज हैं, उनका टर्नओवर जो है सेकंड डोज के लिए 84 डेज ख़त्म होने के बाद, वो उतना नहीं हो पा रहा है। अराउंड 86,000 लोग जो है जिनका सेकंड डोज ड्यू है और उनका भी वैक्सीन लेना बाकी है, तो उसके लिए हमने ये नॉक द डोर नामक कैंपेन शुरू किया है, जिसके तहत हम जो हमारे इनिशियल कोविड फेज में जो वॉर रूम्स थे, वहाँ से हमने अपने कॉल सेंटर के थ्रू उनको फ़ोन करना शुरू किया है। हमारे जो ISD डिपार्टमेंट है उनके थ्रू SMS करना शुरू किया, और साथ ही साथ उनके घर पे जाकर भी उनको माहितगार किया जा रहा है कि कौन से नज़दीक में हेल्थ वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पर ये उपलब्ध है और किस हिसाब से वो अपना सेकंड डोज ले सकते हैं, और सेकंड डोज क्यों ज़रूरी है वो भी माहिती हम उनको दे रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में जिन लोगों का भी ड्यू सेकंड डोज है उनका सेकंड डोज भी हम ख़त्म कर सकें। सूरत नगर निगम के उप नगर आयुक्त डॉक्टर आशीष नाइक ने बताया कि 26,83,000 लोगों को टीके की पहली खुराक और 9,00,000 लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी गई है। गुजरात में कोरोना आंकड़ों की बात करें तो 160 एक्टिव केस हैं, जिससे कुल मामलों की संख्या 2,70,29,570 हो गई है, जबकि कोरोना से 8,14,932 मरीज रिकवर हो चुके हैं। वहीं 10,076 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। वहीं पूरे देश में पिछले 24 घंटे में कुल 37,593 कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 34,169 है। देश में इस समय कोरोना के सक्रिय केस 3,22,327 हैं। इस समय सिंगल और डबल दोनों मिलाकर 59 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना की डोज दी जा चुकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।